वंदे मातरम, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में घर ढहने से एक महिला घायल हो गई। और आपको बता दें कि महिला अपने सात बच्चों के साथ उस घर में रहती थी जिसके पति की मौत एक साल पहले हो गई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति ने दो शादियां की थी जिसकी दूसरी पत्नी का बेटा अक्सर उनसे झगड़े और गाली गलौज करता था। इसका विरोध करने पर आरोपी ने छत से लगी लकड़ी को खींचकर घर गिरा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। यही हुआ है, मार धाड़ करी, आधे घंटे पत्थरबाजी करी है उन्होंने और ऊपर जाके छत गिरा दी हमारे ऊपर। हम दब गए, हमें पड़ोसियों ने निकाला, आके हाथ पकड़ पकड़ के, इसकी तो कमर देखो कितनी छीली पड़ी है लड़की की। हम दो तीन चार थे बस, ये हम घर में बैठे हुए थे, हमको सबको घर पे आते ही मारा, कुंडी लगा दी, ना नीचे उतरने दिया हमारे को। हमारी एक दीवार थी और बल्ली लगी हुई थी, वो बल्ली हटा दी और फिर सारा घर गिरा दिया हमारा, पत्थर ही पत्थर बरसाया हमारे ऊपर।